बात अब चीन की करेंगे क्योंकि तवांग में चीन को चित करने के बाद ड्रैगन के स्थायी इलाज की कवायद शुरू हो चुकी है। वायुसेना का पूर्वी कमान कल से युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्धाभ्यास की तैयारी तो तवांग संकट के पहले से थी, लेकिन तवांग में झड़प की घटना के बाद ये युद्धाभ्यास पड़ोसी देश को चेतावनी की तरह है। एलएसी पर लड़ाकू विमान से कांपा चीन। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरनेशनल प्लान। बॉर्डर पर बारूदी उड़ान, चीन की नींद हराम। बीजिंग के हेडक्वार्टर से सीक्रेट रिपोर्ट। चीन को एंटी घुसपैठ डोज। वी होलिगन्स, वी माफिया, वी प्रोफेशनल आर्मी, इज दैट द लेवल दैट पीएलए हैज गॉन डाउन टू? होलिगनिज्म एंड स्ट्रीट फाइटिंग, और दे आर प्रोफेशनल 21st सेंचुरी आर्मी। ऑन वन साइड दे ट्राई टू शो देयर टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस, on the other side they're coming with barbed wire clubs. It is ridiculous. This is not only of 2020, they try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come, and they're rebuffed every time. Of course, from their side also they must be having some pressure from their senior commanders. भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को एंटी घुसपैठ डोज दे दी है, यानी टेम्पोररी इलाज कर दिया है। अब परमानेंट इलाज की पूरी तैयारी। गवाह हैं ये तस्वीरें। भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर के करीब बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। लड़ाकू विमान सुखोई 30 और राफेल फाइटर चीन के आसमान के करीब अपना दम दिखा रहे हैं। ये दोनों ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो दुनिया के सबसे घातक माने जाते हैं, यानी टेस्टेड हैं। जबकि मेड इन चाइना फाइटर प्लेन का टेस्ट अभी तक किसी युद्ध में नहीं हुआ है, और चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं। यहां आपको समझना है कि राफेल और सुखोई दोनों वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर विमान हैं, और ये दोनों फाइटर चीनी सेना के लिए डर का दूसरा नाम है। सुखोई 30 एमकेआई वायुसेना का सबसे घातक विमान है। ये उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इसमें 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। इस विमान में डबल इंजन लगे हुए हैं। सुखोई 30 एमकेआई एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 एमकेआई को अमेरिकी F-16 से भी बेहतर माना जाता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे किसी भी मौसम में कारगर बनाता है। इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। 48 घंटे तक चीन बॉर्डर के करीब युद्ध का फुल रिहर्सल चलेगा। भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त किसी भी हालात से निपटने का दमखम दिखाएगी। वैसे ड्रैगन के डर की एक और वजह भी समझिए। कुछ दिनों पहले भारत और अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ये वही युद्धाभ्यास था जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। भारत ने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया था। जो मॉडर्न युद्ध है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें सबसे बड़ी ताकत यही यूएवी साबित होते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना अपनी तत्परता को, अपनी तैयारी को इस पूरे इलाके में परखने के लिए ही ये वॉर ये एयर एक्सरसाइज करती है। ईस्टर्न सेक्टर में जो निर्धारित एयर एक्सरसाइज था, उन्हीं तारीखों के हिसाब से ये दो दिन चिन्हित किए गए और यहां पर एयर एक्सरसाइज हो रहा है। आईएएफ ने अपनी तरफ से कहा है कि इसका चीन से हुए टकराव से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, चंद रोज पहले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ऐलान किया था
कि 2027 तक पीएलए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। लेकिन दुनिया की होने वाली सर्वश्रेष्ठ सेना का हमारी फौज ने क्या हाल किया था आप देख चुके हैं। मतलब ये कि भारत को छेड़े तो छोड़ेगा नहीं। हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं। जो छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। ये चीन को सीधा पैगाम है, भारत अपनी अखंडता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, फिर चाहे षड्यंत्र रचने वाला मुल्क कोई भी क्यों ना हो। यानी एक इंच जमीन पर नजर डाली तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तवांग से श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।